आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा कर रहा है। S-400 के दम पर आप हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें साथ रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। करगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा?